सरोकार। बीजापुर में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़। भिलाई में पुलिस का अनोखा अंदाज देखने को मिला, एसपी ने स्वच्छता और हेलमेट के लिए किया जागरूक। कोरबा में चोरों के हौसले बुलंद, किसान के लाखों रुपए किए पार। राजिम में खेत माफियाओं के हौसले बुलंद, धड़ल्ले से चल रहा अवैध कारोबार। सख्ती में राशन वितरण में भारी गड़बड़ी, ग्रामीणों ने की शिकायत। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ में मनेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवा रंग को लेकर एक बयान दिया था। इसे लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा गया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज से कुछ दिनों पहले भूपेश बघेल जी ने भिलाई में गुरु घासीदास के एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने उस भाषण में कहा कि बजरंगी भंगवा पहन के गुंडागिरी करते हैं, वसूली करते हैं। हम उन्हें ये बता दें कि सीएम साहब, बजरंग दल ने आज तक लव जिहाद रोका है, धर्मांतरण रोका। अगर आज बजरंग दल है तो धर्म टिका है। आपने जो भी अपने ये बयानबाजी की है इसे आप वापस लें, अन्यथा आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। अगर आप ये बयान वापस नहीं लेते हैं तो हम घोर प्रदर्शन करेंगे। ये भूपेश बघेल जी ने बजरंग दल वालों को भगवादारी गुंडा कहा और वसूली करने वाला गुंडा कहा, इसके विरोध में हम आज ये कार्यक्रम किए। बिल्कुल गलत है। बजरंग दल सिर्फ और सिर्फ समाज के हित के लिए, हिंदू धर्म के लिए काम करता है, जबकि आज तक बजरंग दल का कहीं पे ये नाम नहीं है कि बजरंग दल ने कभी भी कहीं उगाही की हो। सिर्फ लव जिहाद, धर्मांतरण और विधर्मियों द्वारा किए गए सारे कृत्यों का हम पुरजोर विरोध करते हैं। खबर सरगुजा से है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के सदस्यों ने रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर परिसर का घेराव कर दिया। आपको बता दें कि वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार कार्यकर्ता सरकार से मांग कर रहे हैं। वही कार्यकर्ता ने मांगे पूरी ना होने पर स्थिति में वोट का बहिष्कार करने की बात कही है। हमारा घोषणा पत्र में लिखा था शासन के हम न्यूनतम वेतन देंगे। 4 साल बीत गया सर, अभी तक हमारे लिए न 1 रुपया का कुछ नहीं मिला, तो हम आखिरी होकर के आंदोलन करना पड़ा। और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी आगे तक हमारी आंदोलन जारी रहेगी। घोषणा ये कांग्रेस सरकार की घोषणा पत्र थी, बोले थे हमारी शासन काल आएगी तो आप लोग के लिए न्यूनतम सैलरी मिलेगा, लेकिन आज तक 1 रुपया का कोई सैलरी आया ना कुछ हमारे लिए नहीं मिला। ज्ञापन सौंपा गया है विभिन्न मांगों को लेकर के, जैसे वेतन बढ़ाना हो गया और ये द्वारा ये ज्ञापन ये लिखा गया है जो ये ज्ञापन दिया गया है। सरगुजा जिले के बतौली के पास चिरगा प्लांट के विरोध के बीच समर्थन में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इसके साथ ही रोजगार की मांग की। दरअसल विकास खंड के ग्राम चिरगा में प्रस्तावित एल्युमिनियम प्लांट के खिलाफ लगभग 1 दर्जन गांव के लोगों के द्वारा किए जा रहे विरोध के बीच ग्रामीणों के दूसरे समूह ने समर्थन में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए यह प्लांट शुरू कराए जाने की मांग की। इस दौरान वहां पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि आदिवासी अचल सरगुजा की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिल पाने के कारण युवा मजदूरी रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रांतों के लिए पलायन करने के लिए भी मजबूर होते हैं। यदि प्लांट खुलेगा
तो ना सिर्फ स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि श्रमिकों का पलायन भी रुकेगा। मैं स्टील प्लांट के रोजगार के लिए आया हूँ यहाँ फार्म लेकर। 3-4 हज़ार हम लोग फार्म भर चुके हैं, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इस सुनवाई को लेकर हम लोग प्रस्तापन ज्ञापन सौंपने आए हैं कलेक्टर मैम के पास कि इसका कुछ हमारा किया जाए। अभी तक हम लोग भरे हैं, कोई रिज्यूम का कोई अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला हम लोगों को। जैसे कि जो लेबर हैं, कोई लेबर काम करे, कोई इलेक्ट्रिशियन है इलेक्ट्रिशियन काम करे, कोई फिटर है फिटर काम करे। इस तरह के जो प्लांट खुल रही है उसमें चिरगा में, चिरगा माजर तो खुल, हम लोग फार्म भरा हुआ लगभग 4 से 5 महीना हो गया, अभी तक तो कंपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आई है। चिरगा प्लांट से करीब 1000 लोग की संख्या बता रहे हैं, लोग आए थे, उनमें से उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे मैं मिला, एसपी मैडम मेरे साथ थी। तो उनकी मेन जो डिमांड है कि प्लांट के नहीं खुलने से उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है, उनका जो रोज़गार है, उस पर असर पड़ रहा है। पहले वो कुछ काम कर रहे थे, अभी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, ज्ञापन को हमने ले लिया है, और वो थोड़ा सा डरे भी हुए थे कि हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हम कहीं भी जाते हैं तो मैंने जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको आश्वस्त किया है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पूरा प्रशासन आपके साथ है। शक्ति जिले में ब्लॉक डबरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत लठियाडी के गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से मिलने वाली प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत लठियाडी में संचालित राशन दुकान के संचालकों द्वारा अक्टूबर और नवंबर महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन शासन द्वारा चावल आवंटन किया गया था, परंतु राशन दुकान संचालकों द्वारा चावल को डकार लिया गया। इसके साथ ही राशन दुकान संचालक द्वारा मशीन में अंगूठा लगवा कर चावल नहीं दिया गया है, इसकी शिकायत SDM कार्यालय में की गई है। राशन दुकान संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। संतोषी है, मैं लठिया पंचायत के हूँ, और जैसे चावल दे थे ना तेकर पैसा लेवा थे, जो बढ़ोतरी चावल है तेला नहीं दे, और शक्कर और चीनी के जैसे नाम ला चढ़ा दे हैं और दे नहीं है बड़ ओला शक्कर चीनी ला, और तेकर शिकायत हम डबरा SDM में करे हैं। मोर ना जानकी भाई है, ग्राम पंचायत लठियाडी कौड़िया के हम आए चौर के शिकायत करे आए हैं, अक्टूबर नवंबर के चावल के पैसा ले है और चीनी और नमक के पैसा ले है, अब मिले नहीं है, नहीं मिले आही तो देबो कथे SDM ऑफिस सर्वानंद खूंटे कौड़िया के यहाँ शिकायत हर चावल मोला मिले नहीं, 2 महीना हो गए ना, 2 महीना चावल में मिले नहीं, और लट्टेडी जा था तो लट्टेडी वाला कहा थे कि कौड़िया जा, कौड़िया वाला कहा थे कि लट्टेडी जा, असले से शिकायत कर रहे थे कदे, अब वो फिर चावल नहीं पाए हमें। राजिम जिले में खनिज विभाग के उदासीन रवैये के चलते रेत माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। रेत के अवैध कारोबार से जुड़े ठेकेदार शासन प्रशासन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अवैध कारोबारी अवैध उत्खनन कर नदी के अस्तित्व को खत्म करने में लगे हुए हैं। वहीं अवैध कारोबार के खिलाफ महिला ने इसकी शिकायत खनिज विभाग की टीम से करते हुए रेत के अवैध उत्खनन को रोकने की मांग की है। कोरबा में रेलवे स्टेशन से यात्री गाड़ियों का परिचालन शुरू करवाने की मांग को लेकर कोयलांचल वासियों का प्रदर्शन शुरू हो गया। गेवरा रोड स्टेशन से पैदल यात्रा करते हुए सैकड़ों की संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर रेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 1 महीने पहले ही कुछ मुंडा व्यवसायी संघ ने आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। पिछले 8 महीने से गेवरा रोड स्टेशन तक यात्री गाड़ियों का चालन ठप है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान लोगों की रेल अधिकारियों से बहस होने की भी बात सामने आ रही है।
कोरबा जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि एक किसान ने बैंक से पैसे निकालकर गाड़ी की डिग्गी में रख दिए। इसी दौरान मौका देखकर बाइक से सवार लुटेरों ने गाड़ी की डिग्गी से लाखों रुपए पार कर दिए। घटना सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और घेराबंदी कर अज्ञात लुटेरों की तलाश में जुट गई है। जांजगीर चांपा में बलौदा थाना क्षेत्र के देवरी चिचौली गांव में पिकनिक मनाने गए युवकों की खुशी उस वक्त मातम में बदल गई जब उनके दो साथी नदी के बहाव में फंस गए और देखते देखते पानी में डूब गए। दोनों युवकों को बचाने के लिए साथियों ने प्रयास किया लेकिन पानी में डूबे दोनों युवक को नदी से नहीं निकाल पाए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस युवकों की तलाश में जुटी हुई है। सीतापुर में शासन के खाद्य और सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे। आपको बता दें कि मंत्री अमरजीत भगत लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। उनके द्वारा लगातार धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया जा रहा है, साथ ही स्कूलों में पढ़ने वाले छात्राओं को साइकिल वितरण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत देवगढ़ के आत्मानंद स्कूल पहुंचकर स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की। बालिका शिक्षा के प्रति हम सब लोगों की नैतिक जवाबदारी है कि उनको प्रोत्साहित करें, उनको उत्साहित करें और उनको स्कूल भेजें। लड़के जब पढ़ते हैं तो लड़के आगे बढ़ते हैं तो केवल एक घर उसमें तरता है, लेकिन अगर लड़की पढ़ती है आगे बढ़ती है तो उसमें दो परिवार तर जाते हैं, दो परिवार का भला हो जाता है। तो इसलिए लड़की जो है कई माने में बहुत अहम महत्व रखती है और उसको आगे बढ़ाना हम सब लोगों की जवाबदारी है और इसको सरकार कर रही है। भिलाई में पुलिस का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। पुलिस एसपी दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने डीपीएस चौक रिसाली में अभियान चलाया जिसे स्वच्छता और हेलमेट के लिए जागरूक किया गया। जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था उसे श्रम दान के रूप में कचरा उठाने को कहा गया और इसी बीच किसी का भी चालान नहीं काटा गया। पुलिस को देखकर कुछ लोग भागते हुए भी नजर आए। दुर्ग पुलिस की ट्रैफिक के प्रति, सुरक्षा के प्रति जो जागरूकता का अभियान है वो चला जा रहा है। आई जी साहब के निर्देश पर निरीक्षक स्वयं यहाँ पर फील्ड पर आए हुए हैं और आज हम डीपीएस चौक पर लोगों को सीट बेल्ट, हेलमेट आदि को लेकर जागरूक कर रहे हैं। समझाइश का दौर चल रहा है और इसका प्रतिसाद भी मिल रहा है। लोग काफ़ी बड़ी संख्या में हेलमेट और सीट बेल्ट साथ दिख रहे हैं और जो लोग ऐसा नहीं पहने हुए दिखते हैं तो उनको सजा के तौर पर यहाँ पर सेवा कराया जा रहा है। सफाई वफाई भारत सफाई का अभियान करवाया जा रहा है। इससे पब्लिक में भी पुलिस के प्रति एक अच्छा माहौल और वातावरण पैदा हो रहा है। हेलमेट युक्त प्लास्टिक मुक्त दुर्ग भिलाई अभियान जो है लॉन्च किया गया है। इसमें जो भी लोग बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट तीन सवारी करते हैं उनसे जो सामने कचरा है वो जमा करवाया जाता है जिससे कि भिलाई भी प्लास्टिक मुक्त होगा और उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आएगा। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज करीब 700 लोगों ने जो बिना हेलमेट के थे उनके द्वारा जो है श्रमदान किया गया और परसेंटेज ऑफ लोग जो हेलमेट पहन रहे हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि आगामी समय में सभी लोग जो है वो हेलमेट युक्त हो जाएंगे। यातायात पुलिस द्वारा लगातार ऐसे वाहन चालक जो हेलमेट पहन के वाहन नहीं चलाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, इसके अलावा तीन सवारी बिठाते हैं, तो जो ऐसे वाहन चालकों को लगातार हम लोग समझाइश भी देते आ रहे हैं और हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। और जो आज ऐसे वाहन चालक जो हेलमेट नहीं लगाए थे उनको हम लोगों ने समझाइश भी दिया है कि हेलमेट भी लगाएं और उनके द्वारा स्वेच्छा से श्रमदान भी किया गया और भविष्य में हेलमेट लगाने के लिए और सीट बेल्ट लगाने के लिए उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम लोग हेलमेट जरूर लगाएंगे और अपने शहर को स्वच्छ भी रखेंगे और स्वच्छता में उन्होंने अपना योगदान दिया है और डीपीएस चौक में साफ सफाई भी किया है। तो निश्चित रूप से जो लोगों का योगदान काफ़ी सराहनीय है और उन्होंने विश्वास भी है कि आने वाले समय में हेलमेट भी पहनेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। थाना मिरतुर के पास तिमेनार और पोरोवाड़ा के जंगलों में भैरमगढ़ एरिया कमेटी के पास माओवादियों की उपस्थिति की सूचना व एटेपाल कैंप से डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम निकली थी। पुलिस और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में एक माओवादी को मार गिराने में पुलिस को सफलता मिली। मौके पर वर्दी और माओवादी सामग्री बरामद किया गया।
थाना मृत्यु क्षेत्र अंतर्गत नवीन कैंप जेटेपाल से डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त पार्टी स्थानीय सूचना के आधार पर निकली थी कि वहाँ पर एक माओवादियों की एक टीम वहाँ पर लगातार जो भी हमारा बल निकल रहा है उसकी रेकी कर रही है। यह टीम का नेतृत्व माओवादियों की तरफ से एमआई उनके टीम के प्रभारी सोनू नाम का माओवादी कर रहा था। जब हमारी टीम वहाँ पर गई तो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, उसमें हमने एक माओवादी का शव बरामद किया है। सर, मारे गए माओवादी की शिनाख्त हो पाई क्या और घटना स्थल से क्या कुछ हथियार रिकवर हुए हैं? जी, वहाँ से जो माओवादी के यहाँ शव मिला है इसका नाम रंजू मड़काम है और वहाँ पर हमें शव के अतिरिक्त एक पिस्टन मिली है, कुछ कारतूस मिले हैं, विस्फोटक सामग्री मिली है, पिट्ठू बैग मिले हैं और बहुत सारा नक्सल साहित्य भी बरामद हुआ है। मरने के बाद शरीर मिट्टी है जो किसी का काम नहीं है, और अगर मरने के बाद हमारे शरीर के अंग का प्रयोग है तो उसे दान कर देना चाहिए, और ऐसा ही कर दिखाया है अंबिकापुर के रहने वाले दो बुजुर्गों ने। आपको बता दें कि 67 साल के जगदीश प्रसाद गुप्ता और 84 वर्षीय ब्रह्मा प्रकाश दो बुजुर्गों ने डॉक्टरों के प्रैक्टिकल के लिए अपने देह का दान कर दिया है। किस लिए? अपनी खुशी से कर रहे हैं। तो इसके नहीं तो देह दान करने के पीछे आपके क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सोच रहे हैं इसके पीछे? पेपर में पढ़ा था। हाँ, क्या पढ़े थे? यही जो पहचान का। अच्छा, तो मरने के बाद अब सर देह को दान दे देंगे? हाँ। किसको देंगे? मेडिकल, जो मेडिकल कॉलेज है। हम अपना देह दान करने आए। अच्छा, क्या मरने के बाद में किसी ने क्या देखा? अच्छा, जो आज की हमारी जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उनको कुछ ज्ञान उपलब्ध हो हमारे शरीर से, हमें तो इस बात की बड़ी खुशी है। क्योंकि मरने के बाद में किसी ने क्या देखा? जला देंगे, गाड़ देंगे, क्या करेंगे? मिट्टी हो जाएगा। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि हमारे शरीर से किसी को कुछ प्राप्त हो, आगे हमारी जनरेशन आगे बढ़े। आपको आखिर ये कैसे भैया? मेरा ना कोई घर है ना कोई घर है। ये हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग दोहित ग्राही हैं वो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज को अपना देह दान करने के लिए आए थे कलेक्टर साहब के समक्ष, जिसमें उन्होंने पूरी प्रक्रिया करने के बाद और फिर वो मतलब कि वो हो गया और फिर उन्होंने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी कलेक्टर साहब। कौन सा टाइम उन लोगों ने? ये जैसे कि अभी एक पेपर में वो पटेल साहब थे जो उन्होंने अपना देह दान किया था, वो उन्होंने पढ़ा और फिर हमसे जानकारी ली, फिर हमने उन्हें बताया कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, तो फिर उनके मन में आया कि नहीं हम ऐसा करेंगे और फिर उन्होंने अपनी स्वेच्छा से मेडिकल कॉलेज को अपना पूरा जो पूरा शरीर जो है वो पूरा मृत्यु पश्चात देहदान किया है, ताकि हाँ प्रक्रिया होगी, पूरे पेपर फॉर्म वगैरह पूरा कंप्लीट हो गए। शक्ति जिले में नगर पंचायत डबरा में पिछले 7 दिनों से अटल चौक में पूर्व अध्यक्ष अनिल चंद्रा धरने पर बैठे हैं। समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हो सका है। आपको बता दें कि नगर पंचायत में पिछले 7 दिनों से पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल चंद्रा 7 सूत्री मांगों को लेकर अपने धरने पर बैठे हैं। वहीं आंदोलन के 6वें दिन नगर पंचायत डबरा के व्यापारी बंधुओं ने नगर बंद कर धरने का समर्थन किया। अनिल चंद्रा ने समर्थन करने वाले व्यापारी बंधुओं को धन्यवाद भी दिया है। मेरे द्वारा 29/11/2022 को आवेदन दिया गया था 7 सूत्री मांगों को लेकर, उसके बाद वह मांग नहीं पूरा किए जाने पर 14/12/2022 को धरना में बैठा गया और आज विगत 6 दिवस हो गया शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांग को नहीं सुना गया, जिसके तहत आज नगरवासी और व्यापारियों द्वारा पूरा नगर बंद कराया गया, जिसके लिए मैं नगरवासी और व्यापारियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जब तक यह मांग पूरा नहीं हो जाता, रोड बनना, राशन वितरण करना, पीएम आवास का पैसा, तब तक अनशन जारी रहे। राजपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनी नल जल आवर्धन योजना का लाभ नगर पंचायत के नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है। 4 महीने पहले शामरी के विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के द्वारा लोकार्पण किया गया था, उसके बावजूद भी नगर पंचायत के सुस्त रवैया और यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी ध्यान नहीं देते। आपको बता दें कि नगर पंचायत के सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो नल जल आवर्धन योजना के इंतजार में स्वच्छ जल की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।